हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज विक्रम राठौर, योर मैथ्स टीचर। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्लास टेंथ के स्टूडेंट्स के लिए है, चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। और रियल नंबर्स का जो फर्स्ट टॉपिक है यूक्लिड डिवीजन लेमा। एक्चुअली यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ने के बाद बच्चे क्वेश्चंस तो बड़ी आसानी से करना सीख जाते हैं, लेकिन मैंने कई बार ऑब्जर्व किया है कि बच्चे यूक्लिड डिवीजन लेमा के कॉन्सेप्ट को शायद वो अच्छे से समझ नहीं पाते। या तो वो क्वेश्चंस को याद कर लेते हैं या फिर एनी हाउ जैसे भी वो करते हैं वो क्वेश्चंस को कर लेते हैं, बट उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या है वो समझ नहीं पाते हैं। इस लेक्चर में मैं आपको सिर्फ पर उसके एप्लीकेशंस नहीं बताऊंगा यूक्लिड डिवीजन लेमा के, ये इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा है। तो गोइंग टू द डेफिनेशन टू यूक्लिड डिवीजन लेमा, हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे जो कि आपकी हेल्प करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा के कॉन्सेप्ट्स को या जो भी स्टेटमेंट हमारा है उसको समझने में। तो यहां पर सबसे पहले हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं कि किस तरह से जो है किस तरह से जो है यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है वो रियल नंबर्स पर हमारा जो है वो अप्लाई होता है, रियल नंबर या वाट एवर जो भी नंबर हम लेते हैं उस पर अप्लाई होता है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं। फर्स्ट एग्जांपल्स नंबर हमारा जो है वो टू इंटीजर्स के लिए है। तो ये तो क्लियर हो गया कि यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है वो दो नंबर्स पर अप्लाई होता है, वो इंटीजर्स हम कंसिडर कर रहे हैं फॉर 17 एंड 6। ये हमने दो नंबर्स लिए 17 एंड 6 और वी हैव टू राइट इन दिस वे, हमने 17 और 6 लिखा है इसको यहाँ पर। और बहुत सारे बच्चे जानते होंगे दिस इज अ फ्रैक्शन, और जैसे ही फ्रैक्शन होता है तो वो तुरंत से अप्लाई करने लगते हैं यहाँ पर। 17 को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे यहाँ पर तो 6 टू जा 12 5, और वी कैन राइट 17 इक्वल टू 6 इंटू 2 प्लस 5। यानी कि इसको बहुत सारे बच्चे जो क्लास 7th या 8th में आई थिंक पढ़ते होंगे वहां पर डिविडेंड इक्वल टू, इस नंबर को डिविडेंड बोलते हैं यहां पर, डिविडेंड डिवाइजर, दिस नंबर 6 इज डिवाइजर, दिस विल बी कोशियंट एंड दिस इज रिमाइंडर। ये जो नंबर्स होते हैं हमारे वो क्या होते हैं इस तरह से, आपने क्लास 7th या 8th में, मुझे ध्यान नहीं है शायद क्लास 7th या 8th में पढ़ते होंगे, एक स्टेटमेंट आपके पास होता था डिविडेंड, यानी डिविडेंड का मीन्स 17 इक्वल टू डिवाइजर विच इज 6 इंटू कोशियंट, यानी कोशियंट हमारा 2 है, और प्लस रिमाइंडर, यानी रिमाइंडर जो हमारा है वो कितना है 5। और इसको देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से अगर हम वेरीफाई कराते हैं तो इजिली ये वेरीफाई भी हो जाता है कि 17 को 6 इंटू 12 हो गया, प्लस 5 अगर हम वेरीफाई करते हैं तो ये राइट हैंड साइड में जब हम ऐड करेंगे सिंप्लीफाई करने के बाद तो वो नंबर भी हमारा 17 बन जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में भी 17 है, तो ये दोनों नंबर्स हमारे वेरीफाई भी हो रहे हैं। यानी कि इस तरह से हम जो इन नंबर्स को लिख सकते हैं। यहाँ पर हम सेकंड नंबर ले रहे हैं, यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर था इसमें मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो मैं एग्जांपल्स ले रहा हूँ इस तरह से लिख रहा हूँ कि फर्स्ट जो केस लिया था मैंने उसमें जो न्यूमरेटर था नंबर्स का वो डिनोमिनेटर से जो था वो ग्रेटर था। यहां पर जो हम नंबर्स लेंगे यहां पर मैंने न्यूमरेटर को रखा 5 और डिनोमिनेटर को मैंने कर दिया यहां पर 12। तो ऑब्जर्व करेंगे इस एग्जांपल्स में कि जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से क्या है स्मॉलर है। तो बहुत सारे बच्चे अगर 6 या 7th या 8th में इस डिवीजन को करेंगे तो शायद वो कहेंगे कि सर ये तो डिवीजन पॉसिबल ही नहीं है। तो डिवीजन करने का जो हमारा लॉजिक है, हम 12 की टेबल काउंट करते हैं और जो नंबर हमारा डिविडेंड होता है इससे ज्यादा टाइम्स हमारा जो है वो मल्टीपल्स नहीं होना चाहिए। तो लेकिन इसमें हम 12 की टेबल अगर 1 टाइम्स भी अगर हम काउंट करते हैं तो 12 बन जा 12, ऑब्वियसली वो ज्यादा हो गया। तो अगर 1 टाइम्स टेबल नहीं जाएगी तो हम 0 टाइम्स भी टेबल पढ़ सकते हैं, 12 0 जा 0, इस तरह से हम लिख सकते हैं 12 0 जा 0। और जब हम यहां पर सबट्रैक्शन करेंगे तो नंबर हमारा बन जाएगा 5, और बाय द डिविडेंड इक्वल टू डिवीजन इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर से वी कैन राइट 5 इक्वल टू 12 इनटू 0 और प्लस 5, ये नंबर हमारा बन जाता है यहां पर 5 इक्वल टू 12 इंटू 0 प्लस 5। यानी कि इसको देखिए अगर हम वेरीफाई करते हैं तो 12 0 या 0 0 प्लस 5 यानी इक्वल टू 5 होगा, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा वेरीफाई हो रहा है। और इसी तरह से एक थर्ड हम एक एग्जांपल्स लेते हैं जिसमें हमारा जो न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है। यहां पर आप देख सकते हैं इसको 12 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 12 और रिमाइंडर जो हो जाएगा वो हमारा 0 हो जाएगा। सारे एग्जांपल्स को हम जरा ऑब्जर्व करना अगर स्टार्ट करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो नंबर्स हमारे यहां पर है, नंबर्स को मैं बता देता हूं आपको, जो नंबर हमारा न्यूमरेटर होगा इसको हम ए कंसीडर करेंगे और जो डिनोमिनेटर में नंबर जो है वो हम वी कंसीडर करेंगे। तो जो नंबर्स हमारे ए और बी हैं डेफिनेटली ये दोनों नंबर्स क्या होंगे, ये पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे यहां पर, क्योंकि यहां पर कभी भी हम माइनस के साथ इस तरह से डिवीजन हम कभी भी नहीं करते कि माइनस 17 को हमें 6 से डिवाइड करना है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली ध्यान रखिएगा इन केस ऑफ डिवीजन, क्योंकि जो हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा है इसमें एक वर्ड डिवीजन यूज हुआ है, तो डिवीजन का मतलब डिवाइड करने से ही होता है और डिवाइड हमेशा पॉजिटिव नंबर्स के बीच में ही किया जाता है। तो यहां पर जो दोनों नंबर्स आपके ए और बी हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए, और जो कोशियंट है अगर हम बहुत ध्यान से अगर हम ऑब्जर्व करना स्टार्ट करें तो कोशियंट का मतलब यहां पर जो हम मल्टीपल्स यानी टेबल जो काउंट करते हैं, जैसे सपोज दैट कि यहां पर हम 6 का डिवाइड कर रहे हैं तो टेबल जो हमारी काउंट होगी वो 6 1 जा 6 6 2 जा 12 6 3 जा 18 ये हमारी टेबल काउंट होगी। तो
नंबर हमें मिलने वाले हैं वो 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन नंबर्स मिलने वाले हैं। इसमें मैंने एक एग्जांपल लिया था कि यहाँ पर जो कोशियंट है आप देखिए कि जीरो भी इंक्लूड हो रहा है। तो अगर हम अदर वर्ड्स में कहें कि कोशियंट जो हमारा है वो 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये हो सकता है तो ये भी गलत नहीं होगा, यानी कि आपका जो डिविडेंड है ये भी आपका पॉजिटिव इंटीजर्स होगा। यहाँ पर डिविडेंड की अगर हम बात करें, डिवाइजर भी हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स होगा, इसको भी अगर हम ध्यान से देखें तो ये भी पॉजिटिव इंटीजर, बट कोशियंट आपका जो है वो पॉसिबल है। हम आपको बता दें 0, 1, 2, 3 दीज आर, यानी कि जो डिवाइड होगा या तो जीरो टाइम्स जाएगा, क्योंकि मैंने एक एग्जांपल ले लिया था, जीरो टाइम्स पॉसिबल है डिवाइड, जनरली तो बच्चे वन टाइम्स ही जानते हैं, तो जीरो भी हो सकता है आपका। और उसके लिए मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल जो आप यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं जिसमें कि मैंने न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा लिया था, उस केस में जो हमारा जो कोशियंट है वो जीरो भी पॉसिबल है। तो इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट यहाँ पर ये आपका पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा यहाँ पर, ओके, और ये भी हमारा पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा, ये भी हमारा पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा यहां पर। कोशियंट जो है वो आपका 0, 1, 2, 3 ये आप कह सकते हैं ये होल नंबर्स होगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें जो रोल प्ले करने वाला है वो हमारा रिमाइंडर है। बहुत सारे बच्चे जानते होंगे रिमाइंडर जो है विच ऑलवेज लेस देन द डिवाइजर, तो इसको ये देखिए रिमाइंडर जो होगा वो याद, क्योंकि दोनों पॉजिटिव नंबर हैं ये और भी, तो यहाँ पर जो रिमाइंडर बचने वाला है वो भी डेफिनेटली पॉजिटिव नंबर बचने वाला है। लेकिन इसमें एक रेस्ट्रिक्शन या कंडीशन होती है कि जो रिमाइंडर जो होता है वो हमेशा अगर आप डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा डिवाइजर से लेस होता है। तो इन अदर वर्ड्स हम कहेंगे कि रिमाइंडर आपका 0 भी पॉसिबल है, 1 भी पॉसिबल है, 2 भी पॉसिबल है, 3 एंड ये रिमाइंडर पॉसिबल है, बट मोस्ट इंपोर्टेंट की जो होता है वो लेस देन, जो रिमाइंडर है वो लेस देन यहां पर डिवाइजर होता है। इस एग्जांपल के बेसिस पर जो हमने ये एग्जांपल्स लिए हुए हैं इसके बेसिस पर हम यूक्लिड डिवीजन लेमा का जो स्टेटमेंट है उसको मैं वेरीफाई एक्चुअली करना चाहता हूं कि वो यूक्लिड डिवीजन लेमा का जो है वो स्टेटमेंट क्या होगा। फिर से एक बार मैं आपको बता देता हूं, अगर हमारे कोई भी दो इंटीजर्स हैं जिनका हम एक इंटीजर्स को हम डिविडेंड कंसीडर करेंगे और दूसरे स्टेटमेंट को डिवाइजर कंसीडर करेंगे, और उनका अगर हम डिवाइड करते हैं तो देखते हैं कि जो हमारा कोशियंट है वो होल नंबर होगा और रिमाइंडर जो होगा वो भी डेफिनेटली होल नंबर्स होगा लेकिन वो लेस देन डिवाइजर होगा। अगर हम इन अदर वर्ड्स यानी दूसरे तरीके से अगर हम बात करते हैं इसमें कि सर इसका मतलब ये हुआ, आप लोग बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर इसका मतलब डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर जो है वही क्या इक्वल डिविजन लेमा होता है, तो डेफिनेटली यस, क्लास सेकंड में हम इसकी स्पेलिंग के साथ डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर हम यूज करते थे, बट यहां पर क्या है कि हम उसको नोटेशन फॉर्म में यूज करेंगे। तो एक बार मैं उस स्टेटमेंट को दोबारा से लिख रहा हूं कि इक्वल डिविजन लेमा क्या है, उसको समझने के लिए इस स्टेटमेंट को मैं यहां पर लिख रहा हूं कि वो इक्लूड डिवीजन लेमा जो होता है वो क्या होता है। इक्लूड डिवीजन लेमा, तो डिविडेंड इक्वल टू जो आपने अभी तक क्लास 7th या 8th में पढ़ा हुआ है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट और प्लस रिमाइंडर, ओके। नाउ ये स्टेटमेंट, बस हम यहां पर क्या करेंगे इसको नोटेशन दे देंगे। डिवीजन को हम क्या, डिविडेंड को क्या करेंगे, ए बोलेंगे, डिवाइजर को वी बोलेंगे, कोशियंट क्यू हो जाएगा आपका और रिमाइंडर यहां पर हो जाएगा, यानी इन अदर वर्ड्स ए इक्वल टू वी क्यू प्लस आर इज अ इक्विलेट डिविजन लेमा। यस, ए इक्वल टू वी क्यू प्लस आर इज अ इक्विलेट डिविजन लेमा। तो बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर ये तो बड़ा आसान है, ये तो हम लोगों ने क्लास 7th और 8th में पढ़ा हुआ है, बट जो प्रॉब्लम्स है वो अभी आना बाकी है। सिर्फ ए इक्वल टू वी क्यू प्लस आर से ही हम इक्विलेट डिवीजन लेमा को नहीं समझेंगे, यहाँ पर ए इक्वल टू वी क्यू प्लस आर में जो हमारे नोटेशंस हैं ए बी क्यू और आर ये क्या है, हमें इनको भी अच्छे से समझना पड़ेगा। कि यहाँ पर अभी अभी मैंने आपको बताया था कि ए क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स, वी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स जो कि हमारे प्रीवियस जो अभी हमने एग्जाम्पल्स लिए उसके बेसिस समझ सकते हैं, क्यू क्या है यहाँ पर होल नंबर्स, और आर भी हमारा क्या है होल नंबर्स, पर मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो आर है वो यहाँ पर लेस देन डिवाइजर है, यानी आर की जो वैल्यू होती है वो बी से छोटी भी होगी। यानी यहाँ पर एक हम टर्म्स और अप्लाई करेंगे कि आर जो होता है हमारा वो जीरो या जीरो से बड़ा होगा या फिर लेस देन बी। यहाँ पर मैंने एक इक्वल का साइन लगाया हुआ है, तो बहुत सारे बच्चे जो क्लास 10th में अभी जस्ट अपियर्ड हुए वो इस बात को नहीं समझ पाते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि आर की जो वैल्यू होगी वो जीरो के इक्वल हो सकती है या ग्रेटर हो सकती है। तो आप समझ सकते हैं दोनों चीज़ें एक साथ नहीं होंगी, इसका मतलब होता है या तो इक्वल टू जीरो होगी हम जानते हैं रिमाइंडर जीरो पॉसिबल है, एक थर्ड जो मैंने एग्जांपल लिया था उसमें जो रिमाइंडर था वो जीरो था, या फिर जो रिमाइंडर है वो लेस देन डिवाइजर होगा। इसको बच्चों को सभी को ध्यान से रखना है। तो अब बात करते हैं व्हाट इज इक्विलेट डिवीजन लेमा। तो इसमें सबसे पहला स्टेटमेंट है, आप कह सकते हैं अगर कोई आपसे पूछता है कि व्हाट इज इक्विलेट डिवीजन, इक्विलेट डिवीजन लेमा क्या होता है, तो मैं आपको डेफिनेशन को जो डिस्क्राइब करने का तरीका जो मेथड है मेरा बिल्कुल अलग है। आप बताएंगे सर ए इक्वल टू वी क्यू प्लस आर इज अ स्टेटमेंट ऑफ इक्विलेट डिवीजन लेमा और इक्विलेट डिवीजन लेमा, और जहां पर फर्स्ट कंडीशन ए एंड बी आर पॉजिटिव इंटीजर्स, नंबर वन इसको हमें ध्यान रखना है कि ए और बी पॉजिटिव इंटीजर्स ही लेना है। सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन क्या होती है यहां पर, क्यू एंड आर
आर यूनिक होल नंबर्स. ओके, यहां पर मैंने एक वर्ड लिखा है यहां पर यूनिक, इसको मैं अभी डिस्क्राइब करता हूं, आपको बताता हूं ये क्या रिप्रेजेंट करता है, यूनिक होल नंबर. और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो थर्ड कंडीशन है हमारी वो है कि आर जो रिमाइंडर आपका होगा वो जीरो या जीरो से बड़ा होगा बट लेस देन बी. ये बहुत हम आपको बता दें थर्ड स्टेटमेंट. स्टेटमेंट तो आपके जो तीनों लिखे हुए हैं ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है जो मैंने पॉइंट यहां पर लिखा है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करने वाला है ये आर हमारा करने वाला है, इसको ध्यान रखिएगा. इसके साथ साथ जो मैंने एक टर्म यहां पर लिखा हुआ है यूनिक, ये यूनिक क्या है इसके बारे में भी मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, यूनिक एक्चुअली क्यों लिखा हुआ है और इसका मीनिंग क्या है. बच्चे क्या करते हैं इक्वल डिवीजन लेमा के स्टेटमेंट को क्या है वो याद कर लेते हैं अच्छे से कि इक्वल टू वी क्यू प्लस आर होता है, बट इसकी जो जो थ्री कंडीशन है जो थ्री टर्म्स हैं वो इसको जो है फॉलो नहीं करते हैं, और इसीलिए जब वो क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं तो उन सारे के सारे बच्चों को जो है वो प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है. जब हम इसके एप्लीकेशंस पर जाते हैं वहीं पर जो है एक्चुअल प्रॉब्लम जो है वो स्टार्ट होती है. तो सबसे पहले मैं इसको डिफाइन करूंगा कि ये जो वर्ड यूनिक है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, यूनिक से मतलब क्या है यहाँ पर. तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, दो नंबर्स कंसीडर कर रहा हूँ, पॉजिटिव इंटीजर वाट एवर जो भी आप नंबर्स कंसीडर करना चाहें कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैं नंबर यहाँ पर लेता हूँ 28. ओके, 28 नंबर लिया और दूसरा नंबर मैंने लिया यहाँ पर 6 जो कि मैंने ए को रिप्रेजेंट करता है, और 6 जो नंबर है 6 5 4 3 2 1 वाट एवर कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर 6 लिया हुआ है. तो देखिए वी कैन राइट 28 इक्वल टू, अगर 6 4 जा अगर हम 28 में डिवाइड करते हैं 6 4 जा 24 और प्लस अगर हम 4 कर देते हैं तो यहाँ पर 6 into यहाँ पर अगर हम कंसीडर करते हैं तो जो हमारी Q की वैल्यू, अगर हम A इक्वल टू वी क्यू प्लस आर से इसको कंपेयर करते हैं, A इक्वल टू वी क्यू प्लस आर, तो यहाँ पर जो Q की वैल्यू है वो क्या है 4 और R की वैल्यू जो है वो भी 4 है, और अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ये जो वैल्यू है वो यूनिक होगी, इसके अलावा दूसरी वैल्यू पॉसिबल नहीं है. लेकिन यहाँ पर मैं कुछ इसको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए एक दूसरा स्टेटमेंट भी लिख रहा हूँ कि यहाँ पर A और B आप सेम रखिए, 28 और 6 ही रखिए, ठीक है ना, 28 और 6. और मैंने यहाँ पर क्या किया, इसको 6 5 जा 30 कर दिया और 2 माइनस कर दिया. ओके, ये भी आपका A इक्वल टू वी क्यू प्लस आ रहा है यहाँ पर, और इसको अगर हम कंपेयर करते हैं तो V की वैल्यू Q हो जाएगी और यहाँ पर सॉरी V की वैल्यू 5 हो जाएगी यहाँ पर, सॉरी जो आपका Q है इसकी वैल्यू 5 हो जाएगी और R जो है वो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर माइनस 2. आप कंपेयर करिए A इक्वल टू वी क्यू प्लस आर, यहाँ पर Q की वैल्यू जो है, तो आप कहेंगे सर पॉजिटिव इंटीजर्स तो सेम है 28 और 6 ही है, बट इस केस में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर Q और R की वैल्यू 4 4 आ रही है और यहाँ पर Q की वैल्यू 5 और माइनस 2 आ रही है, और ये दोनों ही स्टेटमेंट 28 और 6 को जो है वो वेरीफाई कर रहे हैं. तो फिर जो आपने वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ था वो यूनिक कैसे हो सकता है. तीसरी एक कंडीशन में और यहाँ पर लेता हूँ, अभी उसको भी मैं डिस्क्राइब करूँगा. चलिए 28 इक्वल टू 6, मैंने 3 टाइम डिवाइड किया, 6 3 18 और प्लस 10, ये भी स्टेटमेंट आपका वेरीफाई कर रहा है, और डेफिनेटली ये A इक्वल टू वी क्यू प्लस आर की फॉर्म में लिखा हुआ है. यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो Q जो है वो 3 है और R जो है वो 10 है. ये तीसरा भी कंडीशन आ गई कि यहाँ पर Q की जो वैल्यू है वो 3 है और R इक्वल टू 10 है. फिर से मैं एक बार इसको बता देता हूँ, यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है कि Q एंड R आर यूनिक होल नंबर्स. होल नंबर्स देखिए, होल नंबर्स मैंने यहाँ पर क्यों बोला है, अभी आप लोगों को मैंने बताया था यहाँ पर ये स्टेटमेंट भी लिखा हुआ है, क्वेश्चन हमारा 0 1 2 3 होगा या रिमाइंडर जो होगा हमारा वो 0 1 2 3 होगा, तो ये सारे के सारे नंबर्स होल नंबर्स हैं, और बट कंडीशन ये है कि जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा बी से स्मॉलर होता है, इसको हमें ध्यान रखना. अगर कोई भी स्टेटमेंट इक्वल डिवीजन लेमा को फॉलो कर रहा है तो उसमें ये तीनों कंडीशन अगर फॉलो हो रही है देन वी कैन से दैट ओनली कि वो स्टेटमेंट इक्वल डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट है या वो इक्वल डिवीजन लेमा की कंडीशन को फॉलो करता है. अगर हम इन सारे केसेस को जो मैंने फर्स्ट सेकंड और थर्ड केसेस पर लिए हुए हैं, अगर मैं सारे के सारे केसेस को अगर मैं स्टडी करना स्टार्ट करूं तो ऑब्जर्व करिए बेटा यहां पर कि सबसे पहले देखिए यहां पर कि दोनों A और B पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए, यस ओके नो प्रॉब्लम. Q होल नंबर्स होना चाहिए, यस नो प्रॉब्लम. R हमारा होल नंबर्स होना चाहिए, नो प्रॉब्लम. बट R जो है वो हमारे साथ डिवीजर से लेस होना चाहिए. तो जो पहला स्टेटमेंट आपका लिखा हुआ है वो सारी की सारी कंडीशन फॉलो कर रहा है. हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, इसको चेक करने की जरूरत नहीं है. Q होल नंबर है, वो सभी तीनों केसेस में Q होल नंबर्स लिया हुआ है. देखिए 4 यहाँ पर भी Q आपका 5 होल नंबर्स है, और थर्ड केस में भी Q जो है हमारा वो आपका होल नंबर्स है. अब बात रह जाती है रिमाइंडर्स की, कि रिमाइंडर हमारा जो होना चाहिए वो 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए और डिवाइजर से छोटा होना चाहिए. तो अगर मैं इन दोनों केसेस की बात करूँ, केस नंबर 1 की और केस नंबर 3 की, तो यहाँ पर जो है R जो दोनों ही केसेस में आपका पॉजिटिव है, बट केस नंबर 2 में जो है वो R जो है वो नेगेटिव है. तो इसमें क्या है कि इक्वल डिवीजन लेमा के केसेस को जो है वो फॉलो नहीं करता, तो ये केसेस तो हमारा वैसे ही रिजेक्ट हो गए. यानी जो यूनिकनेस वाली जो चैलेंज कर रहे थे हमारे इस केसेस को लेकर कि यूनिक होना चाहिए, और ये उसमें जो है केस एक बीच में आ रहा था कि देखिए यहां पर यूनिक नहीं है, तो इस केस को हम रिजेक्ट कर सकते हैं ड्यू टू कि आर जो हमारा है वो नेगेटिव है. अब रह गए हमारे पास दो केसेस. तो इक्वल डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग जो है वो आर हमारा लेस देन डिवाइजर होना चाहिए. इस केसेस में अगर हम बात करें तो डिवाइजर हमारा 6 है और यहां पर रिमाइंडर 10 है. आप आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि रिमाइंडर जो है वो डिवाइजर से क्या है यहां पर लेस है. तो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन ये भी हमारी इक्वल डिवीजन लेमा की कंडीशन को या सिचुएशन जो भी हमारी रेस्ट्रिक्शन
रिजेक्शन से उसको फॉलो नहीं करता, तो ये भी रिजेक्ट हो गया। अब बचा हमारा ये, यहाँ पर आर देखिए जो फोर दिया हुआ है पॉजिटिव इंटीजर है, और ये साथ साथ जो हमारा डिवाइजर उसको लेस है, तो सिर्फ दिस इज द ओनली केस जो कि हमारे क्या यूक्लिड डिविजन लेमा की जो कंडीशंस दे रखी है उसको क्या है कि एग्जैक्टली फॉलो कर रहा है यहाँ पर। तो आसानी से आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि जो आपका जो केस नंबर वन है ये सारे के सारे जो कंडीशन टर्म्स हैं ये फुलफिल कर रहा है, और यहाँ पर क्यू की वैल्यू फोर और आर की वैल्यू फोर ही होगी। तो यहाँ पर ये इसके अलावा देयर आर नो अदर वैल्यूज पॉसिबल, कि इसके अलावा कोई दूसरी वैल्यूज नहीं हो सकती है क्यू और आर की जो कि इस कंडीशंस को फॉलो करें, और इसी बेसिस पर हम बोलते हैं कि क्यू और आर की वैल्यू जो होती है वो यूनिक होल नंबर्स को रिप्रेजेंट करती है। कई बच्चे कहेंगे कि नहीं सर इसमें हम और पॉसिबल, आप घर पर बैठे हुए आराम से वीडियोज को देख रहे हैं, पॉज करिए, जो आप एग्जाम्पल्स ले सकते हैं लीजिए नो प्रॉब्लम, और उसको चेक करिए क्या इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटीज है जो क्यू और आर को जो इक्वल टू वी क्यू प्लस आर की कंडीशंस को फॉलो करें, और उस केसेस में हम क्यू और आर की वैल्यू अदर देन फोर जो हमारी क्यू और आर की वैल्यू है जो दोनों ही वैल्यू फोर आ रही है उसको शायद वो सेटिस्फाई कर पाए। तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि जो यूक्लिड डिविजन लेमा क्या है, ये किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर यानी दो पॉजिटिव इंटीजर्स आपके पास गिवन होंगे और वहां पर क्यू और आर क्या होंगे यूनिक होल नंबर्स होंगे, और आर की वैल्यू क्या होगी जीरो से बड़ी होगी या जीरो के इक्वल होगी और लेस देन द डिवाइजर होगी। यानी फाइनली ए इक्वल टू वी क्यू प्लस आर इज द स्टेटमेंट ऑफ यूक्लिड डिविजन लेमा वेयर नंबर वन ए एंड बी आर पॉजिटिव गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स, Q एंड R आर सेकेंड पॉइंट यूनिक होल नंबर्स, एंड द थर्ड कंडीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट रिमाइंडर इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड ग्रेटर एंड इक्वल देन टू जीरो और लेस देन B। इसका हमको बहुत ध्यान रखना है क्योंकि इसमें जो रिमाइंडर और B हमारा, मैं आपको बता दूं कि जब हम इसके एप्लीकेशन पर जाते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है हमारा V एंड आर। अगर इन चीज़ों को अगर हम ध्यान रखेंगे तो यूक्लिड डिविजन लेमा के एप्लीकेशंस को हम बहुत आसानी से और अच्छे से समझ सकते हैं। मुझे लगता है कि शायद यूक्लिड डिविजन लेमा के जो स्टेटमेंट को वेरीफाई करने के लिए या समझने के लिए जो है ये लेक्चर जो है सफिशियंट है कि व्हाट इज यूक्लिड डिविजन लेमा। और इसके बाद जो हमारा सेकेंड लेक्चर होगा वो एप्लीकेशन ऑफ यूक्लिड डिविजन लेमा पर होगा, तो मैं चाहूँगा कि जो भी बच्चे हमारा सेकेंड लेक्चर देखेंगे उससे देखने से पहले उनको लेक्चर फर्स्ट जो है वो देखना चाहिए। अगर वो इसको देख लेंगे तो सेकंड लेक्चर जो हमारा यूक्लिड डिविजन लेमा पर होने वाला है जो एप्लीकेशन बेस्ड है यूक्लिड डिविजन लेमा का, वो उसको जो है बड़ी आसानी से और बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। थैंक यू।